प्रणाम करते हुए माँ भगवती के देवी के कल्याणकारी कथा में सब प्रवेश करने के लिए पहले आत्मिक बल को स्वीकार करें और सानिध्य को स्वीकार करें। निश्चिंत होकर के विराजे सभी जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, बिल्कुल अपने सिर से बोझ उतार कर सब पीड़ाओं को भूल करके 7 दिन की इस कथा में थोड़ा सा आध्यात्मिक बनकर के और सहज सरल बनकर बैठो। निश्चित ही ये कथा आनंद देगी, भाव प्रकट होगा, भाव में भगवती का वास है। कथा कहीं नहीं जाती है, कथा प्रकट होती है। कथा कोई ऐसा विषय नहीं है कि भी जिसको बोला जा सके, कथा तो वो भाव है जहाँ उसको स्थिति मिलती है तो प्रकट हो जाता है, अवस्था बनती है तो अपने आप निःसृत हो जाता है। कथा तो वो अमृत है जो सबको अमर करती है, कथा वो ज्ञान है जो सबके अज्ञान को दूर करती है, कथा वो प्रेम है जो सबकी कटुता को दूर करती है, कथा वो शक्ति है जो सबकी कमजोरियों को और कष्टों को हर लेती है, सब व्यथाओं को दूर कर देती है, उसी को कहते हैं कथा। समस्त व्यथाओं को दूर करने वाली, यदि कोई छोटी छोटी पीड़ाओं से चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, यदि कोई सोचता हो कि मेरे जीवन में बड़े कष्ट हैं, तो वो याद कर लेना कि इस धरती पर जो भी शरीर लेकर आया है वो इस संसार में सुख के साथ दुख भी लेकर आया ही आया है। चाहे भगवान कृष्ण हो, राम हो, देव भी यदि इस धरती पर आ गए तो उनको भी कष्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि शरीर के साथ दुख भी जुड़ा है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। और हम और आप की तो बात क्या कहें, देवी भागवत के महात्म की कथा हमें और आपको ये समझा रही है कि हम और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धरती पर आए तो तमाम दुख उनको भी उठाने पड़े। साक्षात भगवती के स्वरूप को पूजन करके फिर वो धन्य हुए थे। जब भगवान का आगमन कृष्ण स्वरूप में हुआ था तो वो भी अनेकों कष्टों से इस समाज द्वारा घेरे गए थे। तो जब तक ये संसार है, जब तक ये शरीर है, तब तक संकट और कष्ट भी व्याप्त है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना, कष्ट है तो निवारण भी है, सुख है तो फिर कष्ट भी है। देवी भागवत के इस परम महात्म की कथा हम और आपको यह भाव और ये स्वभाव दे रही है, हम सबको ये बता रही है यदि इनके कुछ हिस्सों को भी हमने स्वीकार कर लिया जीवन से। कथा वेद व्यास जी ने लिखी है, कहीं भी व्यास जी ने है, इधर शौनकादि को सूत जी ने भी समझाई है, नैमिषारण्य में 85,000 ऋषियों के सानिध्य में ये कथा सुनाई गई है सूत जी के द्वारा। लेकिन आज इस पल में कथा क्यों सुनाई जा रही है, इस पर विचार करना है। ये उस समय की कथा, आज क्या जरूरत है इसकी? लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आज क्या जरूरत है। ये कथा जब लिखी गई तब ठीक था, जब सुनाई सुनी गई तब ठीक था, लेकिन अब हमको क्यों सुनाई जा रही है? अब इसलिए क्योंकि तब भी कष्ट थे और कष्ट आज भी है, इसलिए कि तब भी भक्ति की आवश्यकता थी और आज भी भक्ति की आवश्यकता है, इसलिए कि तब भी व्यक्ति का मन कमजोर पड़ता था और आज भी व्यक्ति कमजोर पड़ता है, इसलिए कि उस समय भी शक्ति की आवश्यकता थी और आज भी शक्ति की आवश्यकता है, ये इसलिए सुनाई जा रही है।